पकड़े उसको, बंद कर दे। लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सेल्फी लेने का दौर तो इन दिनों काफ़ी आम बात हो गई और सेल्फी लेना भी काफ़ी आम बात हो गई, लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि सेल्फी लेने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महात्मा गांधी सेतु पर एक युवती सेल्फी लेने के चक्कर में पुल से नीचे गंगा नदी में गिर गई। वहीं भद्रा घाट पर तैनात एसएसबी के जवानों ने दल बल के साथ युवती की जान बचा ली। अब उसको एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, इलाज करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये युवती पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देके वापस आ रही थी और इसी दौरान उसने सोचा कि एक सेल्फी ले लिया जाए, और सेल्फी लेना उसको इतना ज़्यादा भारी पड़ा कि वो गंगा नदी में गिर गई और जान से हाथ धोने की बात सामने आ गई। हम चाहेंगे सबसे पहले आप इन तस्वीरों पर नज़र डालिए, किस तरीके से जवानों ने इस युवती की जान बचाई और उसको इलाज के लिए एनएमसीएच लेके जाया जा रहा है। पकड़े उसको, उसको नीचे लटा दो, जगह है उधर, बंद कर दे। देखा आपने, सबसे पहले जो लाइव ट्यूब के ज़रिए पानी में से उसको निकाला गया, उसने बताया कि मैं सेल्फी ले रही थी, उस दौरान मैं गंगा नदी में गिर गई, और साथ में ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम वो दे के बाहर आ रही थी। जो ज़माना है इन दिनों, हर कोई सेल्फी लेता है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई चाहता है कि खूबसूरत जगहों में सेल्फी लिया जाए। और इन दिनों पटना के गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जहां पर सरकार ने ये भी कहा था कि आप गंगा नदी में नहीं जाएं, नाव नहीं चलाया जाएगा, और कई ऐसे नियम सामने लाए थे। लेकिन जब सेल्फी लेने के दौरान ये लड़की गिरी, तो जिस तरीके से एसएसबी के जवानों ने इसे बचाया, ये काबिले तारीफ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अब ये युवती जो है एनएमसीएच में भर्ती है, जहाँ पे इसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से और बदलाव जिस तरीके से मौसम में है, उसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ज़्यादा ही ऊपर गंगा बह रही है, और इस बीच गंगा के आसपास जाना ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और ये दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन सेल्फी लेना इतना ज़्यादा भारी पड़ेगा, ये इस युवती ने नहीं सोचा था। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।